अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है एडवांस ब्लॉगिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 13। लेकिन मैं स्टार्ट में थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर कीवर्ड रिसर्च का आपने क्या बताना है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तो भाई ये एडवांस कोर्स है, इसमें सारी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें भी आएंगी जो कि आप लोगों ने पहले किसी भी कोर्स में नहीं सीखी होंगी, ठीक है। इसमें आप ये समझें कि जिस तरह की हम ब्लॉग बना रहे हैं ना, इसमें हम A to Z तमाम चीज़ें जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। तमाम जो टूल्स हैं वो भी यूज़ करेंगे, तमाम सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल जो है वो एक ब्लॉग बनाएंगे, उसका मोनेटाइज भी कराएंगे और आप लोगों की अर्निंग भी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आते हैं फ्रेंड आज के लेक्चर में। आज है लेक्चर नंबर 13। लास्ट लेक्चर में हमने जो एक लोगो डिज़ाइन किया था बड़ा प्यारा सा अपने ब्लॉग के लिए, ठीक है। और आज हम जो है मेन्यू ओके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद लेआउट में हम आएंगे। अगर लेआउट का आप लोगों को नहीं आइडिया तो लास्ट लेक्चर लाजिम देखिएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 11 में कि भाई लेआउट क्या होता है, ठीक है। जिसमें कि हेडर, फुटर, साइड बार, ठीक है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। वेबसाइट का लेआउट आप लोगों को समझ आ गया तो समझेंगे भाई आप लोगों को वेबसाइट या ब्लॉग बनानी आ गई, ठीक है। तो इसके बाद सिंपल आ जाते हैं यहाँ पे, और आप लोगों को पता है कि भाई जो मेन्यू है ना ये हेडर एरिया में है, तो हम सिंपल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये हेडर है, ठीक है। यहाँ पे हमने लोगो चेंज किया था और इसके अलावा जो मतलब अपनी साइट का टाइटल चेंज किया था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आने के बाद जो मतलब मेन्यू है इसको हम देखते हैं कि मेन्यू की ऑप्शन इन्होंने कहाँ पर दी हुई है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर पर अगेन क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भाई हमारे पास लोगो की ऑप्शन भी आ गई है, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन की भी आ गई है, ब्लॉग टाइटल की भी आ गई है, ठीक है। और जो मतलब कि इसकी सेटिंग है लोगो की वो भी आ गई है, लेकिन हमारे पास मेन्यू की ऑप्शन शो नहीं हो रही। अब यहाँ पर क्लिक करके चेक करते हैं तो भाई ये है गूगल का ऐड, ठीक है, जो कि ये वाला लगा हुआ है, मतलब मेन्यू इन्होंने कोड में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल हम मतलब कि यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिंपल थीम में आएंगे, ब्लॉग में ब्लॉगर की ब्लॉग में और वर्डप्रेस की ब्लॉग में यही डिफरेंट है कि वर्डप्रेस पे आप लोगों को कोडिंग का नॉलेज नहीं भी है तो आप लोग ब्लॉग बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो HTML CSS का जो नॉलेज है वो बेसिक होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने एडिट HTML में आना, ठीक है, और सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे होम मेंशन है, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंट्रोल एफ जो है आपने प्रेस करना है, और ये प्रेस करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे सर्च करना है होम, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं होम है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे होम, ठीक है। और जैसे सर्च करेंगे उसके बाद आप लोगों ने एंटर कर देना है, तो भाई ये देखें यहाँ पे होम पे जितने भी हैं हमारे पास शो हो गए, ठीक है। लेकिन होम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे जो है हमारे पास मतलब 8 से 9 जगह पे शो हो रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पर देख लें डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, या फीचर्स का देख लें, ठीक है, फीचर्स का इसमें एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अगेन टॉप पे लेके चलते हैं और कंट्रोल एफ अगेन जो है प्रेस करते हैं और यहाँ पे फीचर्स लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट वर्ल्ड है, ठीक है। तो अभी फीचर्स पे क्लिक करते हैं तो भाई देखें एक ही फीचर है, ठीक है, लेकिन इसके इसको सर्च करने के चक्कर में हमें जो है कंप्लीट मेन्यू मिल गया हमारा, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है कि भाई मेन्यू, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो लाइन है माइंड में रख लेनी है 1700, ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये है मेन मेन्यू, ठीक है। तो हमने मेन्यू क्रिएट करना है, सबसे पहले होम चाहिए हमें, होम के बाद हमें अबाउट चाहिए, ठीक है, ना कि हमें बाकी चाहिए जो कि शॉर्ट कोड ये वगैरह ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आने के बाद अगेन सर्च करते हैं फीचर्स का, ये फीचर्स भी आ गए हम, ठीक है। और फीचर्स पे आने के बाद जो है हम यहाँ पे ड्रॉपडाउन में देख लेते हैं, ये तीन ड्रॉपडाउन बने हुए, तो हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए फीचर की जगह हम लिख देते हैं अबाउट, ठीक है। आप लोग इसको अबाउटस भी बना सकते हैं, लेकिन अबाउटस के अलावा अगर आप लोग इसको कैटेगरी में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं होम के बाद इसको दे देता हूँ बिजनेस टिप्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन अबाउटस के बजाय बिजनेस टिप्स। अबाउट हम जो है फुटर में रखेंगे, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फुटर में होता है या लास्ट में होता है, ठीक है, चार पेजेस जो कि गूगल एडसन के लिए ज़रूरी है। अबाउट का हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी का हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन का हो गया, ठीक है, इस तरह के पेजेस वो भी हम जो है वो रेडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बिजनेस का यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो है हम यहाँ पे कितनी कैटेगरी बनी हुई है मेन्यू में, 1, 2, 3, मतलब इन्होंने थोड़ा सा मेगा मेन्यू टाइप बनाया हुआ है। आप लोग यहाँ पे चेक करें, मल्टी ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट कोड, साइट मैप, एरर पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं अपनी ब्लॉग में जो कि एडसेंस से प्रूव है, itactivities.com.pk पे, ठीक है, आई थिंक मैंने जो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, TIES,
ठीक है, itactivities.com.pk। हाँ ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई मेगा मेन्यू सेम इसी तरह का बना हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग जाते हैं लर्न एंड अर्न पे तो आप लोग चेक कर रहे हैं वही रिकमेंड, और उसके आगे फिर से ड्रॉप डाउन शो हो रहे हैं जिस तरह के हमारी ब्लॉग पे, ठीक है, फीचर, ठीक है। उसके बाद अगेन ड्रॉप डाउन शो हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह का जो मेन्यू है हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल भाई फीचर्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम बिजनेस की हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, और मल्टी जो मतलब कि ड्रॉप डाउन है इसमें हम दे देते हैं स्टार्टअप, ठीक है। मतलब जो बिजनेस की हेडिंग दे दी, लेकिन बिजनेस के बाद जो ऑप्शन है वो है स्टार्टअप, ठीक है। बिजनेस तो यहाँ पे आएगा फीचर्स में, उसके नीचे आ जाएगा स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप में क्या चीज़ें आएंगी वो आगे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, जो कि स्टार्टअप में आप लोगों को पता है सबसे जो पहला पॉइंट होता है, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट। उसके बाद जो सेकंड होता है आइडेंटिटी, क्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है, जो कि स्टार्टअप में आता है सबसे पहले। लाइक बिजनेस का आइडेंटिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बिजनेस का लोगो आ जाता है, ठीक है, उसके बिजनेस कार्ड आ जाते हैं, ठीक है, उसके जो कंपनी किट है वो आ जाती है, ठीक है, तमाम जो चीज़ें बिजनेस आइडेंटिटी में आ जाती हैं, ठीक है। क्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है, उसके बाद क्रिएट प्लान, ठीक है, क्रिएट प्लान, ठीक हो गया कि भाई किस तरह से आपने जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद पेज को रीलोड करते हैं तो आप लोगों के यहाँ पे चेंजेस आ गए, ठीक है। यहाँ पे पहले फीचर्स लिखा हुआ था, बिजनेस आ गए, उसके बाद स्टार्टअप, स्टार्टअप में हाउ टू स्टार्ट, क्रिएट आइडेंटिटी, क्रिएट प्लान, ठीक है। अब बिजनेस में एक ऐसा जो है हमसे वो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई सिंपल यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आने के बाद एक एस जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हाउ टू स्टार्ट के स्टार्टअप के बाद आ जाएगा कौन सी ऑप्शन यहाँ पे रखे बिजनेस में, बिजनेस वेबसाइट एक दो हम देख लेते हैं आईडी में, ठीक है, बिजनेस ब्लॉग, ठीक है, और वहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा जो आइडिया ले लेना है, ठीक है। इसके बाद अकाउंट्स आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा, ठीक है, सेल्स आ जाएगा, तो बाकी जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टअप, और स्टार्टअप के बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ये वाला। लेकिन हमने बिजनेस में स्टार्टअप के बाद शॉर्ट कोड की ऑप्शन है जो, इसको हमने चेंज करना है, तो ये रहा शॉर्ट कोड, ठीक हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं फाइनेंस, ठीक हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइट मैप, आप लोग यहाँ पे चेक करें शॉर्ट कोड और साइट मैप, ठीक है। तो शॉर्ट कोड आ गया हमारा, किधर गया शॉर्ट कोड भाई, फाइनेंस आ गया। फाइनेंस के बाद शॉर्ट कोड की ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, उसको हम सर्च कर लेते हैं फिर साइट मैप, चलें साइट मैप को हम चेंज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट कोड को देख लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन ना मिले, आप लोगों ने सिंपल राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में चले जाना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर लेना है कि भाई HTML में आप लोगों के पास कौन सी ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है। शॉर्ट कोड लिखा हुआ है सिंपल यहाँ पे, और इसकी जो क्लास आप लोगों ने वो देख लेंगे, सब मेन्यू, ठीक है। सब मेन्यू यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल F करके सर्च कर लेते हैं, तो भाई ये सब मेन्यू डायरेक्ट हमें यहाँ पे ले आया, ठीक है। एक ये है और एक ये, ठीक है, मतलब इसके नीचे जो है वो शो हो रहा है शॉर्ट कोड, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो डॉक्स भी आ गए, वेब डॉक भी आ गए, ठीक है। तो साइट मैप जो है इसको हम चेंज करते हैं, सबसे पहले इसकी जगह हम लिख लेते हैं अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स आ गए। और उसके बाद एरर पेज, एरर पेज यहाँ पे कौन सा है, ये रहा एरर पेज, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगेन मैं राइट क्लिक करता हूँ एक बार, इसको भी देख लेते हैं कहीं ये मिस ना हो जाए बाद में, और डबल क्लिक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल V शॉर्ट कोड, देखते हैं ये किधर है। तो भाई ये हमें यहाँ पे जो है वो नहीं मिला शॉर्ट कोड्स, ठीक है, ये इन्होंने आई थिंक बाकी कोडिंग में इसमें देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट कोड्स। अच्छा, यहाँ पे हम आने के बाद सिंपल यहाँ पे सर्च करते हैं स्टार्टअप और वापस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेन्यू है वो है बिजनेस का, ठीक है, स्टार्टअप में शो नहीं करवा रहा, बिजनेस देख लेते हैं, बिजनेस आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा मेन्यू आ गया बिजनेस, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, हाँ ये आ गया, ठीक है। इसमें भाई देखें हाउ टू स्टार्ट हो गया, ये तीनों चीज़ें हमारी डन होगी। उसके बाद अकाउंट्स, फाइनेंस,
ठीक है, एरर पेज की जगह हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, शॉर्ट कोड को हम देखते हैं कि वो कहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं मिल रहा। और इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनेंस अकाउंट्स, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी हेडिंग है, इंश्योरेंस। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस हम नहीं रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रमोशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्रमोशन ठीक हो गया। और प्रमोशन के बाद फाइनेंस, फाइनेंस के बाद जो ये वाली लाइन आ रही है ना, ये है शॉर्ट कोड की। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा। ठीक है, इसको यहाँ तो रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इसका लिंक भी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी है क्लास नेम आई टेम्प। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, देखते हैं तो भाई ये रही। ठीक है, जो कि हमें मिल गई। ठीक है, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, यहाँ पे होम आ गया। ठीक है, होम के बाद जो है हाँ ये रही। ठीक है, ये लगा हुआ है, तो इसके बाद यूआरएल लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो यहाँ पे ग्रिड वाला यही लगा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट कोड, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है वो रिमूव करके चेक करते हैं। ठीक है, या फिर अभी इसको रहने देते हैं, ताकि एक बार जो अपना मेन्यू है मेगा मेन्यू उसको डन कर लें। कोडिंग में ज़ाहिर है कि थोड़ा टाइम लगता है चेंजिंग्स करने में। उसके बाद एरर पेज ये भी चेंज हो गया, इसको हम अपडेट करते हैं ताकि यहाँ पे जो चेंजिंग्स हमारे पास शो हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे इस पेज को रीलोड कर देते हैं। तो भाई देखें, हमारे पास बिजनेस स्टार्टअप फाइनेंस अकाउंट्स प्रमोशन, ठीक है, सारी की सारी जो हमारी ऑप्शन हैं वो चेंज हो गई यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, क्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है, क्रिएट प्लान, ठीक है, फाइनेंस आ गया, अकाउंट्स आ गया। ठीक है, शॉर्ट कोड की जगह हमने अकाउंट्स जो है वो लिख दिया। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद यहाँ पे पहले सर्च कर लेते हैं, बल्कि ये सामने ही है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हमारा ये बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। उसके बाद इन्होंने कौन सा दिया हुआ है, मार्केटिंग का दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, वो हम रख देते हैं मार्केटिंग का। ठीक है, और मार्केटिंग में फिर ड्रॉप डाउन बना लेंगे। ठीक है, लोकल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक हो गया। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन को ख़त्म करते हैं, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के बाद यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, लोकल मार्केटिंग, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे वाली जो ऑप्शन है वो है वीडियो डॉग की, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वीडियो डॉग। ठीक है, वेब डॉग की जगह हमने लिख दिया लोकल मार्केटिंग, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास डाउनलोड दिस टेम्पलेट, यहाँ पे आ जाएगा अबाउट अस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस आ गया। ठीक है, अबाउट अस के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि पांच हो कम से कम मेन्यू, एक दो तीन चार पाँच में कॉन्टैक्टर्स भी चाहिए हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर देता हूँ अबाउट अस के बाद कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया, और देखते हैं कि ये हमारे पास शो होता ही नहीं होता, और इसको मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद पेज को रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या चेंजिंग्स आएंगे। तो भैया आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है ये भी आ चुका है, होम, बिजनेस स्टार्टअप, स्टार्टअप में हाउ टू स्टार्ट, क्रिएट आइडेंटिटी, फाइनेंस अकाउंट्स, प्रमोशन, मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। तो ज़बरदस्त हो गया, जस्ट हमने इनके लिंक चेंज करने, ज़ाहिर है जब हम पेजेस क्रिएट करेंगे तो ये डन कर लेंगे, उसके बाद सर्च का ये भी डन है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो हमारा सेक्शन है मेन्यू का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मतलब कि बाकी जो इसकी कंटेंट की चीज़ें हैं वो फिर हम वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, और प्रॉपर जो है इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में। मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।